हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यार आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी की ऑल न्यू बैलेनो। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये इसका अल्फा वेरिएंट है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन आपको अब देखने को मिलता है बैलेनो का। पहले से काफ़ी रोड लगती है फ्रंट से देखने में। बात करें अगर फ्रंट प्रोफाइल की तो यहाँ पर आपको बीच में सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ग्रिल ऑफर की गई है। क्रोम एलिमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा है। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का स्पेस ऑफर किया गया है और नीचे की तरफ आपको डार्क ब्लू में ही स्किव प्लेट्स ऑफर की गई हैं। तो काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगती है फ्रंट से देखने में अब बैलेनो। बात करें इसके हेडलाइट सेटअप की तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट ऑफर की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर DRLs भी ऑफर किए गए हैं 3 क्यूब टाइप में। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स ऑफर किए गए हैं, वो भी आपको अगेन LED में ही देखने को मिलेंगे। तो LED सेटअप के कारण काफ़ी प्रीमियम फील होता है इसका फ्रंट। अल्फा वेरिएंट में अब आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, तो अब आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग भी काफ़ी ध्यान रखा गया है बैलेनो में। पहले आपको इसके टॉप मॉडल्स में भी आप 2 एयरबैग ऑफर होते थे, बट अब आपको टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग ऑफर किए गए हैं। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी काफ़ी प्रीमियम लुक इसकी देखने को मिलेगी आपको। बात करें अगर टायर्स की तो आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। बात करें अगर टायर साइज़ की तो 195/55 R16 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब आपको बैलेनो में 360 व्यू कैमरा भी ऑफर कर दिया गया है। एक कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको फ्रंट में भी कैमरा ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। बात करें अगर ORVMs की तो वो आपको बॉडी कलर भी ऑफर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स भी ORVMs पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल रही है ऑल ओवर द विंडोज़, जो आपको काफ़ी अच्छा फील कराएगी। बात करें अगर डोर हैंडल्स की तो वो भी आपको यहाँ पर क्रोम में देखने को मिलेंगे। तो क्रोम ट्रीटमेंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है अब बैलेनो में, जिसके कारण काफ़ी प्रीमियम फील होती है। अब चलते हैं इसके रेयर की तरफ। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। बैक कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बैलेनो की बैजिंग ऑफर की गई है। रेयर वाइपर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको डिफोगर भी यहीं देखने को मिल रहा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की बात करें तो वो यहाँ पर प्लेस्ड है। रूफ एंटीना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोई भी शार्क फिन एंटीना इसमें ऑफर नहीं किया गया है। पीछे की तरफ भी काफ़ी क्रोम का यूज़ किया गया है, जिसके कारण काफ़ी प्रीमियम लगती है पीछे से देखने में भी। यहाँ पर भी आपको क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ बूट में भी क्रोम स्ट्रिप ऑफर की गई है। पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं, जो आपको रेयर पार्किंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बात करें अगर टेल लाइट्स की तो वो भी आपको LED में ही ऑफर की गई हैं। सेम आपको जैसे आगे DRL ऑफर किए गए हैं 3 क्यूब टाइप में, पीछे की तरफ टेल लाइट आपको ऑफर की गई हैं। यहाँ पर आपको बैक लाइट ऑफर की गई है। तो रेयर से भी काफ़ी अमेजिंग लुक आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अब आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर कर दिए गए हैं ऑल न्यू बैलेनो में। 360 व्यू कैमरा और अंदर भी आपको स्मार्ट प्रो देखने को मिलता है। चलते हैं इसके अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है। वो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, जिससे आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर विंडो ग्लासेस की बात करें तो UV ग्लासेस आपको ऑफर किए गए हैं, जो आपकी धूप को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं और आपका कैबिन ठंडा रहता है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है पहले से आपको। बात करें अगर फ्रंट डोर की तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन और यहाँ पर आपको ORVMs के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपने ORVMs को कंट्रोल कर पाएंगे। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा।
अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट ऑफर की गई है यहाँ पर, बट आपको हाइट एडजस्टमेंट जरूर दे दी गई है इस बार, पहले आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको HUD डिस्प्ले और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ करने का, और यहाँ से आपको 360 व्यू का बटन दिया गया है, और यहाँ से आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग के बटन भी दिए गए हैं। बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की तो काफ़ी प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील अब आपको देखने को मिलता है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो प्लेस मिलेगा, साइड में आपको मीडिया के कंट्रोल और यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल ऑफर किए गए हैं, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किए गए हैं, यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया गया है। बात करें इसकी HUD डिस्प्ले की तो ये भी काफ़ी प्रीमियम फंक्शन है, इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी में देखने को मिल रहा है आपको। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको यूज़ करके, ये आपकी HUD डिस्प्ले आ गई है बाहर, यहाँ से आप इसको शायद आप जज कर पा रहे हैं, इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला व्यू अंदर आ रहा है, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर पाएंगे, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये फंक्शन। सेम इसी बटन से आप इसको बंद कर पाएंगे, बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर और लेफ्ट में RPM मीटर देखने को मिल रहा है, बीच में आपको MID प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको ट्रिप्स के रिगार्डिंग और क्लॉक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको राइट साइड में हेडलाइट्स के कंट्रोल और लेफ्ट में आपको वाइपर्स के कंट्रोल ऑफर किए गए हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको ऑफर करी गई है अल्फा वेरिएंट में, साथ ही साथ आपको ऑटो वाइपर भी ऑफर किए गए हैं, ऑटो सेंस वाइपर। बात करें अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पर आपको 9 इंचेस का स्मार्ट प्रो ऑफर कर दिया गया है जिसमें आपको सुजुकी कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, और इसके स्मार्ट प्रो की बात करें तो ये आपके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी प्रीमियम अब आपको म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलेगा, टच भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर पाएंगे अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो बात करें अगर इसके 360 व्यू कैमरा की तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑन करेंगे तो आपके डिस्प्ले में 360 व्यू आपका आ जाएगा जो आपकी सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाता है, और अपनी गाड़ी को आप इजीली जज कर पाएंगे, तो काफ़ी प्रीमियम फंक्शन है ये भी। बात करें अगर नीचे की तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, यहाँ से आप एयर फ्लो को कम ज़्यादा कर पाएंगे और यहाँ से अपने टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फ्रंट और रेयर डिफोगर के बटन्स ऑफर किए गए हैं, यहाँ से आप इसको ऑटो मोड पे डाल सकते हैं और यहाँ से आप इसे ऑफ कर पाएंगे। बात करें अगर AC वेंट्स की तो वो भी सिल्वर फिनिश के साथ आपको ऑफर किए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में। नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए गए हैं, अपने आप यहाँ पर बॉटल्स और कप्स को कैरी कर पाएंगे, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर आपको USB पोर्ट ऑफर किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टोरेज भी दी गई है, अपने फ़ोन को आप यहाँ रख पाएंगे। बात करें अगर इसके ट्रांसमिशन की तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, अल्फा AGS वेरिएंट, यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच के साथ आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है विद स्टोरेज, यहाँ पर अपने छोटा मोटा सामान रख पाएंगे आप। गियर लीवर भी काफ़ी हैंडी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम फील होता है जब आप इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल रही है जो इसके डैशबोर्ड को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। बात करें अगर ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट स्टोरेज के साथ ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है विद लाइट, आपको ऑफर किया गया है ग्लव बॉक्स। बात करें अगर वैनिटी मिरर की तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है विद लाइट्स को ड्राइवर साइड में,
ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है विद लाइट्स। और कैबिन लैंप की बात करें तो वो यहाँ पर आपको हेलोजन में ऑफर किए गए हैं। बात करें अगर रेयर व्यू मिरर की तो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आपको रेयर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स ऑफर किए गए हैं और यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। डार्क ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ इंटीरियर दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। बात करें अगर बैक कैमरा की तो वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ अब आपको ऑफर किया गया है और विद डिफरेंट मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है अब इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। बात करें अगर सीट्स की तो सीट्स की आपको कुशनिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी आपको। फ्रंट में आपको बोथ साइड में यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। चलते हैं इसके रेयर की तरफ, रेयर में देखते हैं कितना स्पेस आपको ऑफर किया गया है। रेयर डोर भी आपको यहाँ पर सॉफ्ट कुशनिंग के साथ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं और सेम यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल ऑफर किए गए हैं। यूवी ग्लासेस इसके काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे समर्स के टाइम पे। और यहाँ पर आपको नेक्सा की स्किप प्लेट्स ऑफर की गई हैं। बात करें अगर इसके सीटिंग कंफर्ट की तो काफ़ी अच्छा अंदर थाई स्पोर्ट आपको ऑफर किया गया है रेयर में, और साथ ही साथ कैबिन भी बहुत स्पेशियस आपको ऑफर करती है ऑल न्यू बलेनो। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको लेग रूम और नी रूम देखने को मिल रहा है। स्पेस की आपको किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं फील होगी। यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स ऑफर कर दिए गए हैं अब, और नीचे की तरफ आपको दो यूएसबी पोर्ट ऑफर किए गए हैं चार्जिंग के लिए। और कैबिन लैंप आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा रेयर में भी। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल। तो ओवरऑल काफ़ी यूनिक और प्रीमियम आपको कैबिन ऑफर कर दिया है बलेनो में। सेंटर कंसोल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। बात करें अगर हेडरेस्ट की तो रेयर में भी आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। रेयर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं ऑफर किया गया है बलेनो में। चलते हैं इसके बूट की तरफ। बात करें अगर बूट ओपनर की तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। मैग्नेटिक बटन से आप अपने बूट को ओपन कर पाएंगे। काफ़ी डीप आपको यहाँ पर बूट ऑफर किया गया है। बात करें अगर बूट स्पेस की तो 318 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड करती है ऑल न्यू बलेनो। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो यहाँ नीचे की तरफ प्लेस्ड है। स्टील व्हील आपको ऑफर किया गया है स्पेयर में, और टूल्स की प्लेसमेंट भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको सामान रखने में ज़रूर परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पर फ्लैट बॉटम नहीं है बूट। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल रही है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया गया है। बात करें अगर ऑल न्यू बलेनो की डायमेंशंस की तो यहाँ पर आपको 3990 mm लेंथ ऑफर की गई है, और विड्थ की बात की जाए तो 1745 mm आपको विड्थ ऑफर की गई है, और हाइट की बात करें तो 1500 mm आपको हाइट ऑफर की गई है। तो काफ़ी स्पेशियस कैबिन आपको देखने को मिलता है। व्हील बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2520 mm का व्हील बेस ऑफर किया गया है। बात करें अगर ऑल न्यू बलेनो के इंजन स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और एवरेज की बात की जाए तो 22.3 के एमपीएल की एवरेज क्लेम करती है सुजुकी ऑल न्यू बलेनो की। तो यही था आपकी ऑल न्यू बलेनो अल्फा ऑटोमेटिक का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।